ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बाराबंकी स्वात टीम और थाना जैतपुर पुलिस ने शातिर तस्करों को दबोचा। स्वात टीम और थाना जैतपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 183 किलोग्राम पोस्ता छिलका, 560 ग्राम अफीम एवं 3,19,000 रुपए एक कार बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। प्रभारी स्वात टीम विवेक कुमार सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक जैतपुर संदीप कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 3 शातिर अफीम तस्करों सुनील सिंह, गोविंद मौर्या तथा राम निवास को जमुरिया अहमदपुर जाने वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के कब्जे से 183 किलोग्राम का पोस्ता छिलका, 560 ग्राम अफीम, 3,19,000 रुपए एवं अदद बिगरा गाड़ी बरामद किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए रविंद्र कुमार मिश्र, ब्यूरो की रिपोर्ट। जनपद बाराबंकी में पिछले कुछ दिनों से जो नई टीम है जैतपुर इंस्पेक्टर की, वहाँ के एडिशनल इंस्पेक्टर की, एसएसआई की, इसके अलावा पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में सीओ सदर और एसपी साउथ की, उन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से अधिसूचना एकत्र की है और इस पूरे गैंग, पूरे नेक्सस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उस कड़ी में आज एक बड़ी बरामदगी हुई है जिसमें 183 किलो डोडा, 560 ग्राम मॉर्फिन और 3,19,000 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही साथ परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी भी बरामद हुई है। पूछताछ पर ये जानकारी हुई है कि जो डोडा पाउडर है वो बहुत से ढाबों पर, पूरे हाईवे के ढाबों पर ट्रक चालकों की पसंद के कारण यहाँ पर तस्करी के रूप में लाया जाता है। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई है कि यहाँ से जो बोनाफाइड माल बाहर जाता है ट्रकों से, उसके माध्यम से भी अन्य प्रदेशों में इसकी तस्करी की जा रही है। इस संबंध में कुछ बड़े महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें विकसित करके आगे और लोगों के खिलाफ कार्रवाई और बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे।